बातें बोली जब माजिद ने पूछा था सवाल, तो ये आई थिंक ये बड़े गर्व की बात है हमारे सबके लिए, ये अकेले ऑर्गेनाइजर्स के लिए नहीं, आई थिंक इंडिया के लिए गर्व की बात है कि इंडिया ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है। ओके, ये नो डाउट टीम वर्क था, हमारा आइडिया था, बट इसमें हम फाउंडर सबके सब इन्वॉल्व थे, जो आए सारे लोग जितने भी, आई थिंक ये यूनाइटेड इंडिया पेश हुआ यहाँ पे, जो कि बहुत बहुत एक अच्छी बात हुई है। ओके, तो ऐसे हम करते रहेंगे और आई थिंक लोग समझ रहे हैं बातों को कि यूनाइटेड इंडिया कैसे पेश होता है। कुछ अच्छा करके ही हमने पेश हुए और वहां पे हुए भी, और जिस लेवल की वहां पर प्रोफेशनलिज्म सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है, आई थिंक ये नेक्स्ट लेवल था। और ये जैसे माजिद ने बोला कि अगला वाला इससे भी कुछ और ही लेवल होने वाला है, तो यस डेफिनेटली अब हमने बार एक स्टेटस जो होता है स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है। आगे वाला इवेंट कहीं भी होगा, कौन कौन होंगे आई थिंक वो आप सरप्राइज हो जाओगे देखते उस इवेंट में कौन कौन होंगे। ओके, तो स्टे ट्यून, बड़े बड़े धुरंधर हो सकते हैं वहां पे उस इवेंट में, बाहर से भी हो सकते हैं, अंदर से भी हो सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हो सकते हैं, लेट्स वेट। ओके, तो थैंक यू, क्या बात है। या सो बस मैं कंफर्मेशन की वेट कर रहा हूँ, जैसे ही एज कंफर्मेशन देते हैं उस इवेंट की तैयारी शुरू हो जाएगी। इंडिया में लोगों को यही लग रहा था कि एक टीम है जो काम कर रही है, आज आपने बताया कि एक टीम और जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड काम कर रही थी, जिसे माटी भी थे, ये भी थे, सब लोग इसे बिल्कुल दिस पीपल, ये कोई इंडिया की टीम ही नहीं है कि हम ठीक है 5-7-10 रन, नो, इंटरनेशनल टीम भी हमारे साथ काम कर रही है, मैं बता रहा हूँ। ओके, बिल्कुल से माटी से बोले, रेड रेफरम भी थे बट उनकी मदर थोड़ी बीमार थी इसलिए वो नहीं आ पाए, क्रिस जॉनसन साथ में, बहुत सारे और लोग हमारे साथ में है। ओके, पीपल आर लुकिंग एट अस। ओके, उनको मालूम है कि ये कैपेबिलिटीज हैं यहाँ पे हमारे लोगों के बीच में, कुछ अलग करने की इंडिया के लोगों में कैपेबिलिटीज हो, हमारी तरफ देखो। सो ये इंटरनेशनल टीम, डोमेस्टिक टीम, इंडिया की लोकल टीम, ये सब मिलके एक ऐसा सुमेल बना, एंड ऑन टू दैट ऐश हमारे साथ काम कर रहे हैं। ओके, कुछ नेक्स्ट लेवल का, तो आप आने वाले दिनों में देखेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिलीवर कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ऐश को उन लोगों में ज्यादा विश्वास है जो डिलीवर कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो इसलिए आज पूछते हैं कि मतलब कि ये तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया ना, तो डिलीवरी सबसे अच्छी मेन बात है, जो लोग डिलीवर करते हैं ऐश उनके साथ वो काम कर रहे होते हैं, और हमने डिलीवर किया एज ए टीम वर्क था, हम एक या दो को नहीं कहते, यस दिस इज डेफिनेटली ए टीम वर्क, और ऑर्गेनाइजर तो होते हैं तभी चीज डिलीवर होती है, तो किसी के साथ हमारा कोई मन मुटाव नहीं है, एवरीबडी इज वेलकम हेयर, क्योंकि दिस इज अ रियल डील, ये कुछ रियल हो रहा है, रियल डील हो रही है यहाँ पे, सीरियसनेस का बिजनेस है ये, जो लोग सीरियस होंगे वो साथ में आते रहेंगे, जो नॉन सीरियस होंगे, नॉन परफॉर्मर होंगे, वो अपने पीछे पीछे जाते रहते हैं, आपने देखा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, नॉन सीरियस नॉन परफॉर्मर्स जो है वो ऐश उनको भी थोड़ा ठीक है ना, वो नहीं ना लाइक करते, तो बट इसलिए सारे के सारे लोग हम चीजों को समझे कि हो क्या रहा है बेसिकली। हमारी तरफ से तो 6 के 6 लाख फाउंडर आगे आने चाहिए और परफॉर्म करने चाहिए सारे के सारे, एंड ऐसे होता रहेगा, देखते रहिए आने वाले 10-15 में ब्रेकिंग न्यूज कैसे और आती है। यस, ओवर टू योगिनी जी। बहुत अच्छी बात है सर, सो मच दिलन जी। जी केडी जी, हम मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, हेलो, वो जिस ढंग से सर ने बताया कि गेमिंग कबड्डी और क्रिकेट इस सब का नाम जो बातचीत हुई, तो गेमिंग इंडस्ट्री पे जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ, अगर वो चीज कोई भी कंपनी एग्जीक्यूट करती है और एग्जीक्यूट करने में प्रोफेशनलिज्म अच्छा होता है, सब तो इथिकली करने जा रहे हैं, बहुत तो कुछ करने जा रहे हैं, हम लोग तो बहुत बेस्ट करेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल परफॉर्मर भी अगर से बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करता है ना सर कोई कंपनी लेवल पे, तो ये इंडस्ट्री हर घंटे $250 करोड़ की इंडस्ट्री है, हर घंटे। इसमें पता क्या है, जितनी भी ये गेमिंग वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है FanDuel और ड्राफ्ट किंग्स, दो बड़ी कंपनी है। FanDuel का खुद का अपना रेवेन्यू $12 बिलियन का इस साल का, $12 बिलियन। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस गेमिंग इंडस्ट्री की है कि ये इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये ना बैटिंग की तरफ चली जाती है। ओके, ये बैटिंग की तरफ चली जाती है कि ओके, उस प्लेयर पे तूने इतना दाव लगाया, इस पे इतना दाव लगाया, और ये वो दैट इज इलीगल बेसिकली, अगर हम ऐसी बात माने तो। बट इलीगल होते हुए भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ओके, वहां पे आ गई ऑन पैसे जो कि वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जा रही है और लीगल वे से करने जा रही है। अब आप देखो ये कितनी बड़ी होने वाली है, ये इतना है, और वहां से वर्ल्ड कप है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी, लोग इसको डाउनलोड करेंगे और लीगल तौर के ऊपर आप वर्चुअली खुद
होंगे बेसिकली वहां पे। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली जा रहा है वहां बैटिंग करने के लिए, ओके आप भी विराट कोहली ही हो, ओके तो अच्छा। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बैटिंग नहीं कर रहे विराट कोहली के ऊपर, ओके कि अच्छा शायद विराट कोहली सेंचुरी मारेगा तो शायद मुझे तब पैसे मिलेंगे, या सेंचुरी नहीं मारेगा या बैटिंग ऑलमोस्ट ये जितनी भी ये एप्स हैं या वर्चुअल गेमिंग वाले ये अच्छा, क्योंकि एक टीम ने तो जीतना है और एक ने हारना है, ये पक्की बात है, दिस इज 100%। अब उस पर भी बैटिंग लगती है कि एक हार गई विच इज इनलीगल, वो बैटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे ऑन पैसिव में ऐसा फंडा नहीं है, क्योंकि वी आर करेक्शन टू करप्शन, ओके यहाँ पे एवरीबडी विंस, ओके अगर हम वो है वो ठीक है, खेल रहे तो खेल रहे हैं, विराट कोहली उसमें सेंचुरी मार रहा है तो जीरो पे आउट हो रहा है, बट वी आर प्लेइंग विद हिम वर्चुअली, ओके तो उसमें उसमें ये नहीं कि विराट कोहली अगर जीरो पे आउट हो गया तो शायद हम हमें पैसे नहीं बनेंगे, ओके तब भी बनेंगे, कैसे बनेंगे, दैट इज अ वेरी एक सिस्टम को प्लेस किया गया है, बिकॉज आप वर्चुअली खुद खेल रहे हो, तो विच इज नॉट अ बैटिंग कि अगर सेंचुरी मारी तो तुझे तेरे पैसे इतने हो जाएंगे, डबल ट्रिपल हो जाएंगे, अगर नहीं होगी तो ऐसे हो जाए, नो ऐसा नहीं है। तो दिस इज अ लीगल वे में पहली कंपनी, अब आप सोचो कि लीगल वे में जब लोग पैसे कमा रहे होंगे और वो चीज सब देशों में चल जाएगी, सब देशों में वर्ल्ड कप हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे लोग खेल रहे हैं वर्ल्ड कप का मैच है, तो आप खुद वो प्लेयर हो बेसिकली, आप वहां पे उस प्लेयर के ऊपर बैटिंग नहीं कर रहे, ओके सट्टा नहीं लगा रहे उस प्लेयर के ऊपर, आप खुद खुद खेल रहे हो और खुद खेल के पैसा बना, बिकॉज यू आर प्लेइंग ऑन इंटरनेट। अब ऐसे करोड़ों लोग वो खेल रहे हैं, ओके और पैसा कैसे बनता है वो अच्छी तरीके से। तो मुझे 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 एक चीज पूछना है, ये जो पूरा होगा वो इंडिविजुअल इफर्ट पे पैसे आएंगे या टीम वर्क के बीच में कुछ काम करेगा? नो नथिंग लाइक टीम वर्क के ऊपर, इसका इसका देखो किसी भी टीम कोई कुछ, देखो टीम ने जीतना है, ओके 24 प्लेयर खेल रहे हैं, ओके आज की डेट में क्या कि लोग उन पे बैटिंग लगाते हैं, पेस पे भी लगाते हैं, रिजल्ट के नहीं 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 सर 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 कितने गोल होंगे। हाँ जी, मेरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे लेट से माजिद की 1300 की टीम है और 1300 के 1300 लोग खेल रहे, तो ऐसा कोई रेफरल सिस्टम भी रहेगा क्या? चाहिए मेरे पूछने का मतलब था, हाँ 14 के 14 मिलियन हम चाहे उसी टाइम खेल रहे हैं, ओके टीम है और पैसे बन रहे सब 15 मिलियन दिस इज द वर्चुअल रियलिटी है बेसिकली इंटरनेट की, कि कैसे पैसे बनते हैं। जब ऐश कहते हैं कि यहाँ पे तो इतना पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बिखरे हुए हैं जस्ट हमने इकट्ठे करने हैं, ओके लीगल वे में, तो ये गेमिंग इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर है, 14 के 14 मिलियन हम लोग प्लेयर हैं बेसिकली, अगर हम 14 के 14 मिलियन प्लेयर खेल रहे हैं तो इंटरनेट पे खेल रहे हैं बेसिकली, वर्चुअली खेल रहे हैं, ओके जैसे वर्चुअली अभी क्या कर रहे हैं, वर्चुअली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ओके आमिर कुरस में अंदर।